I come in, sir? Ooh, yeah. Yes, come in. Good morning, sir. Very good morning. Sir, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था. अरे हाँ, याद आया. Please have a seat. बैठिए ना. आइए, please बैठिए. Thank you, sir. This is my CV. इसकी कोई जरूरत नहीं है. मैं देखकर ही जान जाता हूँ कि कौन मेरे कितने काम का है. You are perfect. Done हो तुम मेरे लिए. Sir, लेकिन आपने तो कुछ देखा ही नहीं. मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है. क्या है, बहुतों की लाइफ बनाई है मैंने. अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी भी लाइफ बना दूंगा. मेरे हाथ में गन है, जरा सा भी हिलने की या चिल्लाने की कोशिश की ना तो ट्रिगर कब जाए. क्या चाहते हो तुम? कल तुम किसी से मिले थे जो तुम्हें कुछ बेचना चाहता था. कौन है वो? मेरे पास उसका नंबर है. नंबर दो. तो विनोद नाम है इसका. विनोद को ढूंढना ही होगा. अरे प्रीति बेटा, ये विनोद कहाँ चला गया? तुम्हें कुछ बोल क्या गया है क्या? नहीं बाबा. अजीब लड़का है, गणपति के दर्शन करवाने खुद लेकर आया जिद करके और खुद ही गायब हो गया. अब बाबा आप शांत हो जाइए. जाओ देखो उसे. मैं अभी जाके देखूं. हाँ जाओ. फोन भी नहीं उठा रहे हैं. बाबा. हेलो प्रीति. अरे बेटा कहाँ हो तुम? हाँ मैं घर तक आई हूँ विनोद भैया को लेने. बस दो मिनट में उन्हें लेकर आ रही हूँ. बेटा देखो आरती का वक्त हो रहा है, तुम विनोद को लेकर जल्दी आ जाओ. भैया. Thank you.
सब लोग गणपति दर्शन के लिए पंडाल गए थे, जहाँ से विनोद ने आप में से किसी को कुछ बताया नहीं और वहाँ से चला गया। जी। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने विनोद को वहाँ पंडाल में किसी से बात करते हुए देखा था? जी नहीं सर, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि भैया अचानक से कहाँ चले गए। 3 महीने पहले ही उसे बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिली थी, बहुत खुश था वो। हे राधा बाबा, अभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, प्रासर क्या हो गया ये। विनोद का तो किसी ने खून कर दिया, अब मुझे वो सच्चाई कौन बताएगा जो सिर्फ विनोद ही बता सकता था। सर, सीने में घाव का निशान है, देखकर लगता है कि गोली लगी, लेकिन अजीब बात यह है कि गोली शरीर से बाहर निकली नहीं, शायद अंदर ही रह गई। तो प्रीति के यहाँ आने से पहले कोई तो था जिसने विनोद पे गोली चलाई और यहाँ से भाग गया। हम अगर अंदर आया कैसे? ये दरवाजा तो प्रीति ने खोला था, कोई फोर्स एंट्री का निशान भी नहीं है। उन्हें अंदर आया कैसे? 10 मिनट विनोद जब घर आया और प्रीति ने दरवाजा खोल के जब इसकी लाश देखी, इसके बीच में सिर्फ 10 मिनट का फर्क है और इतना ही टाइम खूनी के पास भी था। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी ने विनोद के ऊपर हमला किया यहां घर के बाद और विनोद की मौत हुई घर के अंदर जाने के बाद? नहीं सर, जब विनोद आया था तो मैंने उसे देखा था, वो बिल्कुल ठीक था और उसे चोट भी नहीं लगी थी। तो आखिरी बार विनोद को आपने देखा था? शायद। आप कौन है? अब ये खीन की पड़ोसन है। और आप कौन है? मैं सपना, प्रीति और विनोद की दोस्त। सर, मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या हुआ है। क्या हुआ है? विनोद ने इस कमरे में अपने आप को गोली मार ली। अरे सर, यही तो हुआ होगा, आपने तो केस सॉल्व कर दिया। मतलब किलर और विक्टिम एक ही है? सर, यू आर अ जीनियस। थैंक यू। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? इसने अपने आप को गोली मारी तो गन कहाँ है? इसकी आत्मा लेके चली गई क्या? ये तो यहाँ पड़ा हुआ है। गोली तो चली है लेकिन किसी और के हाथ से। इसकी उंगली तो चली हुई है। आसपास देखते हैं। चली हुई थी। क्या? ये देखो, कागज चलाए गए हैं। शायद इस विनोद ने जलाया होगा, तभी उसकी उंगली चल गई। है क्या इस कागज में? बस जिस गोली को आप लोग तलाश कर रहे हो, दरअसल यहाँ छिप करके बैठी है। ये देखो, विनोद के सीने में जाकर के अटक गई है। जिस गोली से विनोद की मौत हुई है वो उसके शरीर से बाहर कहीं नहीं। जहां विनोद की लाश मिली वहां पर कोई गन नहीं थी। एक बार ये गोली निकलेगी ना तो पता चल जाएगा कि कौन से गन से गोली चली है और फिर क्या विनोद ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने विनोद को मार डाला। बिल्कुल बॉस, लेकिन अभी मैं आपको एक और जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ, एक जला हुआ कागज का टुकड़ा। काफी कुछ जल चुका है लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है, बचा लिया। इस पर कुछ खास लिखा हुआ है, TTH.END
क्या हो सकता है सर ये? TTH, ENT, Entertainment? या फिर Enterprises? ये तो कोई कंपनी है जरूर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे क्या था खास इस कागज के टुकड़े पर जो विनोद इसे जलाकर मिटाना चाहता था, और फिर ये TTH Enterprises, ये क्या कंपनी है, कहां पर है ये कंपनी? सर ये TTH क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार सुना ये नाम। विनोद की लाश के पास से हमें एक जला हुआ कागज मिला था, उस पर TTH लिखा था। विनोद आपकी कंपनी में काम करता था, तो हमें ऐसा लगता है कि TTH का और आपकी कंपनी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। विनोद का खून हो गया, उसके बारे में कुछ पता है आपको? देखिए सर, मैं सर सर एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ आपको। सर सुभाष सर तो एक नेक दिल इंसान है, ये शायद आपको वो बात नहीं बता पाएंगे। वो बात कौन सी बात? यही कि सुभाष सर ने विनोद को यहाँ काम पर रखा, लेकिन उसने इसके बदले में अरुण सर प्लीज मुझे कहने दीजिए, सर विनोद यहाँ पिछले एक महीने से काम पर नहीं आया। लेकिन विनोद के पिता ने हमसे कहा कि वो हर रोज उसे ऑफिस के बाहर छोड़ के जाते थे। हाँ सर, लेकिन वो अंदर नहीं आता था, और उसके ना आने की वजह से सर आपको पता है सुभाष सर का कितने का नुकसान हुआ है? विनोद को लेकर तुम्हारे अंदर काफी गुस्सा है, है? तुम हो कौन और ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? सर मैं अरुण, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सर एक दिन मैंने विनोद को ऑफिस के बाहर पकड़ लिया था जब उसके पिताजी उसे ऑफिस के बाहर छोड़कर जा रहे थे। सर मैंने उसे बहुत सुनाया, यहाँ तक कि उसको ऑफिस ना आने के लिए भी मैंने उसको बहुत कुछ कहा सर, लेकिन उसने मुझसे लड़ाई कर ली, और ये उसी की वजह से हुआ। ये आपको विनोद ने कुछ बताया था कि किस नई कंपनी में काम करने जा रहा है वो? सर मैंने विनोद से पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इससे ज्यादा आप विनोद के बारे में मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मेरा जवाब ना ही होगा। तो इस विनोद ने पिछले महीने TTH कंपनी में ही काम किया होगा। पंकज, उसके पिछले महीने की कॉल डिटेल्स निकालो, उसकी लोकेशन चेक करो, पता चल जाएगा कहाँ जाता था वो। ये वही जगह जहाँ विनोद इस महीने लगातार आ रहा था, इसके फोन की लोकेशन भी यही बता रही है। ये लो, वॉच पे तो दिन में ही सो रहा है, ड्यूटी का खाक करता होगा ये। ए, उठ। अबे उठ। कौन हो भाई? ये TTH इंटरप्राइजेस के बारे में कुछ पता है? नहीं मालूम। अगर मालूम भी है तो आपको क्यों बताऊं? अजीब गुंडा कर दिया यार। ए, उठ। क्या है? CID से हम लोग। उठ। सॉरी सर। ड्यूटी के वक्त सोता है? सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर ये TTH काफी सी बिल्डिंग है। इसे पहचानते हो? साहब ये तो विनोद साहब हैं, ये TTH कंपनी में काम करते हैं। कौन कौन काम करता है इस ऑफिस में? साहब और लोगों को तो नहीं पता, विनोद साहब को आते जाते देखा है मैंने। साहब कोई बात है क्या? कल एक मैडम आई थी विनोद साहब के बारे में पूछताछ कर रही थी, और आज आप लोग आए हैं। कौन, क्या नाम है, कुछ मालूम है? हमने उनका नाम तो नहीं पूछा, लेकिन मैडम बहुत सुंदर थी। अच्छा, उस सुंदर मैम साहब का स्केच बनवा सकते हैं? हाँ सर। पंकज, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। विनोद साहब की ऑफिस का डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ सर। लो। ये ड्यूटी के वक्त सोना नहीं, समझे? अब नहीं सोऊंगा साहब। ये गार्ड कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये ब्लूम, सारे बॉक्स में ब्लूम ब्लूम लिखा हुआ है। है क्या इस बॉक्स में? खाली बॉक्स यहां पे दे, ये देखो कैप्सूल्स।
कहीं ये विनोद मेडिसिन वगैरह तो नहीं सप्लाई करता था? ये भी खाली है? खाली? अब ये क्या चक्कर है? कैप्सूल्स खाली, बॉक्सेस खाली, ऑफिस खाली, तो ये विनोद यहाँ करने क्या आता था? सर, सर ये देखिए, ये लेटर हेड मिला। डीटीएच? ये तो ठीक वैसा ही लेटर हेड है जैसे विनोद ने अपने घर में जलाया था। लगता है उसने उस पर कुछ लिखा होगा, उसके बाद जला दिया। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर, आप और भी? सर ये देखिए, इसके अंदर कुछ कुछ छुपा कर रखा है। क्या है, निकालो। देखो ऑन होता है क्या? ऑन करो। ये तो किसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है। लाइव है यार ये तो। इसका मतलब है विनोद यहां से इस जगह पर नजर रखे हुए था। कोई फैक्ट्री या वेयर हाउस लग रहा है। सर! स्केच! आखिर ये लड़की है कौन और क्यों पड़ी थी विनोद के पीछे? बस विनोद के शरीर में उसकी छाती के पास में जो गोलियां हमें मिली है, विनोद की मौत उस गोली से नहीं हुई। क्या? ये तो क्या बोल रहा है सारुंखे? अगर उस बुलेट से मौत नहीं हुई विनोद की तो फिर कैसे? देखो बॉस, मौत कैसे हुई ये तो पता नहीं, लेकिन उस गोली से नहीं। देखो जब गोली शरीर के अंदर घुसती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में आती है, लगभग 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके सामने जो भी चीज आती है उसे डैमेज करती हुई जाती है। लेकिन विनोद की बॉडी में ऐसा कोई डैमेज नहीं है। ये गोली जहां पर मिली है उसके आसपास के टिश्यूज भी डैमेज नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक और बात, ये देख रहे हो टुकड़े? हाँ। ये टुकड़े मुझे वहां से मिले हैं जहां विनोद को गोली लगी थी, उस घाव के पास में से। है क्या ये? कैसे पहुंच गए? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं। इन सब को जोड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि टुकड़े कहां से आए, ये टुकड़े हैं किस चीज के। हेलो, क्या सर? मेरी बच्ची, मेरी बेटी सर। आपकी बेटी प्रीति कब गायब हुई? आज शौक सभा रखी थी, उसके बाद पता नहीं प्रीति कहां चली गई। तो आपने उसका फोन नहीं ट्राई किया? किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पहले बेटे का खून होता है और अब बेटी गायब हो गई। कोई तो है जो इनके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। आपने बताया कि आपके घर पे शोक सभा थी तो काफी लोग आए थे, तो उन सब के बीच में से आपकी बेटी प्रीति गायब हो गई और आप लोगों को पता नहीं चला, और वहां पे जितने लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं देखा? पूर्वी जरा चेक करो इनके घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाया क्या, शायद फुटेज से पता चल जाए। सर ये कौन सी विपत्ति टूट पड़ी है सर मेरे परिवार पर? पहले मेरे बच्चे का खून हो गया और अब मेरी मेरी बच्ची नहीं मिल रही है सर, मेरी बच्ची। देखिए हमें ये पता चला है कि आपका बेटा विनोद अंधेरी के एक ऑफिस में भी काम करता था। तो वहां क्या काम करता था आपको मालूम है? अंधेरी? नहीं सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। विनोद का ऑफिस तो पांद्रा में था और वो वहीं पर जाता था काम के लिए। इसका मतलब है विनोद ने आपको अपने दूसरे काम या दूसरे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया था? हो सकता है उसने ये बात आपको जानबूझकर ना बताई हो, और शायद आपकी बेटी प्रीति उसको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि विनोद के खून के तार कहीं ना कहीं उसके इस दूसरे ऑफिस और टीटीएच कंपनी से जुड़े हुए हैं, और ये सब अब प्रीति के मिलने के बाद ही पता चलेगा। सर यही वो कार है जिसमें प्रीति और वो दूसरी लड़की गए। घर के पास जो सीसीटीवी लगा था उसमें भी एक कार थी।
सर, ट्रैफिक पुलिस ने इस कार को यहाँ पर ट्रेस किया और हमें इन्फॉर्म किया। गाड़ी तो खुली है। ओह नो, डैशबोर्ड पे खून है। सर, हो सकता है प्रीति के साथ हाथापाई हुई हो और ये खून उसी का हो। बड़ी अजीब जगह है सर, हो सकता है कि प्रीति को यही कहीं आसपास रखा हो। प्रीति, यहां तो कोई भी नहीं। प्रीति, 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 लगता है कोई नशीली दवाई दी गई है जिसकी वजह से इसकी हालत है। प्रीति, प्रीति, हाँ, क्या क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ, तुम यहाँ पर आई कैसे? वो एक लड़की आई थी भैया के शोक सभा में, वो ही मुझे यहाँ लेकर आए। उसने मुझे कहा कि भैया का एक पैकेट है उसके पास, वो मुझे देना चाहती थी। वो पीछे रखा है। आकर तो वो स्केच दिखाना इसको। ये लड़की थी वो? हाँ, ये वही लड़की है। मेरे हाथ, तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा ये सारा शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा। तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि विनोद का पार्टनर कौन था। मैं भैया को फोन पर बात करते हुए सुना था। तो विनोद का साथी कौन है? कहीं इस पूरे साजिश में विनोद का ये साथी भी शामिल तो नहीं? वो औरत विनोद के पार्टनर को क्यों ढूंढ रही थी? तुमने बताया कि विनोद ने किसी फैक्ट्री के बाहर उसके साथी को मिलने के लिए बुलाया था, तो कहीं ये वही जगह तो नहीं जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था उस विनोद के लैपटॉप में? जब विनोद उस आदमी से फोन पे बात कर रहा था तो तुमने कुछ सुना था? कुछ याद आता है? कोई कोई नाम, कोई जगह का नाम? कोरेगांव का नाम लिया था। कोरेगांव? पंकज, सीसीटीवी फुटेज में जो जगह देखी थी हमने वो कोरेगांव में हो सकता है, ढूंढो। फैक्ट्री, ये लड़की और विनोद का साथी, केस तो उलझता ही जा रहा है। एक बार उस जगह के बारे में पता चल जाए अपने आप सुलझ जाएगी। पूर्वी, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। सर, ये केस तो काफी टेढ़ा है, एक के बाद एक नए चेहरे सामने आ रहे, असली खूनी कौन है इसका तो पता ही नहीं चल रहा। पहले इस विनोद का खून कर दिया जाता है, वो भी एक बंद घर के अंदर, ना कोई गवाह ना कोई सबूत। इस विनोद के बारे में पता करते हैं तो ये पता चलता है कि वो एक नहीं दो दो नौकरियां करता है, और इसके घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, और ये अपने दूसरे ऑफिस से किसी फैक्ट्री पर नजर रख रहा था। और सर, ये लो, ये सारे लोग इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, पर असली खूनी अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। और ये वॉचमैन उसी बिल्डिंग में विनोद ने पिछले एक महीने से ऑफिस ले रखा था, और इसे कुछ नहीं पता। विनोद ने पैसे देकर मुंह बंद कर दिया था इसका। और सर, ये अरुण, इसकी तो किसी छोटी सी बात को लेकर विनोद से हाथापाई भी हुई थी,
बात मारपीट तक पहुंच गई थी। और ये सुभाष विनोद की पहली कंपनी का मालिक, एक महीने से विनोद ऑफिस नहीं जा रहा था, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये गुमशुदा पार्टनर जिसे ये लड़की ढूंढ रही है, जिसे किसी ने नहीं देखा, और विनोद के इस दूसरे ऑफिस के बारे में ये गुमशुदा साथी किसी को कुछ पता होगा। और ये भी हो सकता है कि ये गुमशुदा पार्टनर विनोद का असली खूनी हो। अभी हमारे एक सवाल का जवाब नहीं मिला है, विनोद का खून किया क्यों गया होगा? मुझे लगता है अपने सारे सवालों का जवाब उस फैक्ट्री में है जिस पर विनोद सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे हुए था। आप अंकज, क्या फैक्ट्री का पता चल गया? ग्रेट। सर, ये फैक्ट्री कई दिनों से बंद पड़ी है सर। नो एंट्री का बोर्ड, तो कैमरा यहीं कहीं होगा, इधर होगा, ये रहा। ब्लोम, ये तो वहां भी था। ब्लोम, सर ये तो वही कैप्सूल से जो हमें विनोद के ऑफिस में दिखे थे। ये कैप्सूल भरे हुए हैं और वो खाली, मतलब ये कैप्सूल यहां से वहां चक्कर काट रहे हैं। ये बॉक्सेस यहां पे आगे पीछे क्यों रखे हुए? जरा उठाओ इसे। सकती है लड़की, कहीं विनोद की पार्टनर तो नहीं? उस लड़की की मौत 48 घंटे पहले हुई है, सारों के साहब ने बताया, गोली मारी है उसे। अगर उस फैक्ट्री में ऐसा है क्या कि विनोद 24 घंटे उसमें नजर रखता था, और अब इस लड़की की लाश मिलती है हमें वहां से, और वो दवाइयों की कैप्सूल अभी तक पता नहीं चला कि कैप्सूल के अंदर था क्या? सर उन कैप्सूल्स में जो पाउडर मिला है, कहीं ये सब उसके लिए तो नहीं हो रहा? मगर सिर्फ एक पाउडर के लिए कोई किसी की जान क्यों ले रहे हो? ऐसा क्या है खास उस पाउडर में? पाउडर में क्या है वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एसीपी साहब जमे हुए हैं सारों के साहब की लैब में। क्या हुआ भे? क्या ये एक तरह की नशीली दवाई है? ओ, तो ये बात है। और ये देखो, ये इसकी पैकेजिंग एकदम असली है। तेरा कहने का मतलब है कि नकली दवाइयां असली पैकेजिंग में है? हाँ, याद आया, तुम पूछ रहे थे ना विनोद उस गोली से क्यों नहीं मरा जो उसके सीने में थी। हाँ, मैंने पता कर लिया है बॉस, वो उससे क्यों नहीं मरा। ये देखो, दरअसल विनोद एक सिक्योरिटी गार्ड था। जिस टाइम वो सिक्योरिटी गार्ड था, 6 साल पहले वहां पर एक रॉबरी हुई। रॉबरी में इसे गोली लगी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन गोली अंदर ही रहने दी। गोली निकालता तो विनोद की जान को खतरा था। यार सारंगी, फिर वही सवाल,
अगर विनोद इस गोली से नहीं मरा तो फिर मरा कैसे? बस याद है मैंने आपको कुछ सफेद सफेद चांदी के टुकड़े दिखाए थे? हाँ बस मैंने उस सारे टुकड़े जोड़े, ये देखो ये बना। यार सारुंगी, ये तो कोई चांदी का सिक्का लगता है, सिल्वर कॉइन नहीं है। बच गया। फैक्ट्री का मालिक सर यहाँ पे आने के लिए राजी नहीं था, अपने तरीके से समझाया तो मान गया बेचारा। देखिए सर ये गलत है, मेरा हाथ नहीं हिल रहा, गर्दन नहीं मुड़ रही, ये कोई तरीका नहीं है समझाने का। अब ना समझ को दया इसी तरह से समझाता है, समझे? अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में, बताओ जल्दी। सर मैं अपने फैक्ट्री में नकली मेडिसिन बनाता था और उसे मार्केट में बेचता था, इसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिलते थे सर, लेकिन कोई था जो मेरी फैक्ट्री से दवाइयां चुराता था, इसीलिए मैंने एक लड़की को काम पे लगाया ये पता करने के लिए कि ये चोरी के पीछे आया कौन। लड़की को? कौन है ये लड़की? सर उसे मैंने फौरन से बुलाया, खून करने में एक्सपर्ट है सर। ओ, खून करने में एक्सपर्ट है, अभी कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है सर, वही मुझसे हमेशा कांटेक्ट किया करती थी, 6 अलग अलग नंबर से कॉल किया करती थी सर। हाँ पता है, वो सारे नंबर हम ट्रेस कर रहे हैं। एक बार बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में जो लाश मिली थी लड़की की वो कौन थी? सर वो बॉडी रिया की थी और वो मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, वो किसी विनोद नाम के आदमी की मदद कर रही थी मेरी फैक्ट्री से दवाइयां चुराने के लिए, और ये बात उस किलर लड़की को मालूम पड़ गई और उसने रिया को मार दिया सर। सर विनोद की साथी रिया हो सकती है? नहीं पंकज, विनोद की वो गुमनाम साथीदार रिया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जो लड़की विनोद के साथीदार की तलाश में है उसने रिया को 2 दिन पहले मारा और इस प्रीति को आज ही किडनैप किया। अगर ये रिया विनोद की पार्टनर होती तो ये लड़की प्रीति से विनोद के उस जोड़ीदार के बारे में नहीं पूछती। मतलब सर वो लड़की अभी भी विनोद के साथी की तलाश कर रही है? सर वो किलर लड़की ने जो 6 अलग अलग नंबर से इस विवेक को कॉल किए थे उनमें से सारे नंबर ऑफ आ रहे थे, लेकिन अभी अभी एक नंबर एक्टिवेट हुआ है सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो फिर जरूर इस लड़की ने किसी के साथ बात करने के लिए ये नंबर ऑन किया है, 1 मिनट तो काफी है हमारे लिए ट्रेस करने के लिए, लग जाओ काम पे पूर्वी। वो किले लड़की अभी अभी अंदर गई है मेरे सामने से। सपना अभी अभी अंदर गई है। ये तो वही है विनोद की दोस्त। मैं सारा माल लाई हूं, मैं खरीदने से पहले चेक करती हूं। पंकज एक काम करो, वो लड़की के पास जो बैग है ना
उसको छीन के भागूंगा वहां से। अरे सर ये क्या कह रहे हो आप? बैग लेके भागूंगा तो किलर बाद में मारेगी, पब्लिक पकड़ के मारेंगे मुझे। जितना कह रहा हूं उतना करो, बैग छीनो और भागो वहां से जल्दी। मुझे पैसे दो ताकि मैं यहां से जा सकूं। तुमने पैसों के लालच में अपने दोस्त की बलि दे दी, खून कर दिया उसका। ये गलत है, मैं और विनोद तो साथ में काम किया करते थे। मैं रिया की हेल्प से नकली दवाइयां चुराती थी और विनोद उन नकली दवाइयों को बॉस तक पहुंचाता था, और इस काम के लिए बॉस हमें ढेर सारे पैसे देते थे। कौन है तुम्हारा बॉस? सब वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि विनोद ही उनसे डील किया करता था। प्लान बहुत अच्छा था, विनोद को रास्ते से हटा कर नकली दवाइयों का धंधा खुद चलाना। मेरा विनोद की मौत से कोई लेना देना नहीं। हाँ सच है कि उसकी हत्या के बाद मैं थोड़ा डर जरूर गई थी, और इसीलिए जितना भी माल मेरे पास बचा था सबको बेचकर मैं शहर छोड़ना चाहती थी, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। तुम तो मौका ढूंढ रही थी ना विनोद को मारने का, इसीलिए रखा गया था ना तुम्हें? नहीं सर, विनोद को मार के मुझे क्या मिलेगा, बल्कि मैं तो विनोद से वो चुराई गई दवाइयों के बारे में भी नहीं पूछ पाई, उससे पहले उसका खून हो गया। अच्छा, तुमने नहीं मारा, तुमने भी नहीं मारा, तो अपने आप मर गया वो। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? क्योंकि आप सबके पास विनोद को मारने का एक कारण है, और उसके लिए आप विनोद का खून कर सकते हैं। सर ये आप लोग क्या कह रहे हैं? विनोद मेरा बेटा था। लालच, ईर्ष्या, जलन, बदला, गुस्सा, इतने सारे कारण थे आप लोगों के पास विनोद का खून करने के लिए। सर विनोद मेरा भाई था, हम क्यों मारेंगे उसे? आप लोगों को विनोद भैया का कातिल नहीं मिल रहा, इसलिए आप लोग हमें फंसाने के लिए कहानी बना रहे। विनोद का खून ही हमें मिल चुका है। विनोद का खून एक सिल्वर कॉइन से हुआ है, एक चांदी के सिक्के से, और ये है वो चांदी का सिक्का। सर इस चांदी के सिक्के से इससे कोई किसी को कैसे मार सकता है? जी हाँ, हमें भी यही लगता था कि एक चांदी के सिक्के से कोई किसी की जान कैसे ले सकता है, लेकिन हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साड़ुंखे, उन्होंने जब इसे अच्छी तरह से देखा तो उन्हें मिला इस कॉइन के अंदर एक छोटा सा छेद, और उस छेद के अंदर था एक बॉम्ब। और इस बॉम्ब को एक सर्किट से जोड़ दिया गया था, और जब विनोद को यह कॉइन मिला तो उसने अपनी शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख लिया था। कुछ देर बाद विनोद का मोबाइल फोन बजा, जैसे विनोद ने अपना फोन उठाया यहां पे रखा हुआ ये बॉम्ब फट गया। मतलब साफ है, जिस किसी ने भी ये सिल्वर कॉइन विनोद को दिया था खूनी वही है। किसने दिया होगा ये कॉइन? सर कौन है खूनी? खूनी आप सब में से कोई एक है, और वैसे भी यहां पे जितने लोग मौजूद हैं, आप सबको विनोद जानता भी तो था।
क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया? अरे सुभाष जी, आइए आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे हम लोग। क्या केस जरा उलझ गया है, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हमारे पास कुछ है जो शायद हमें लगता है कि आपका है, और ये है वो चीज। आप पहचानते हैं इसे? विनोद को तो तुमने ये सिल्वर कॉइन गिफ्ट किया, रिटर्न गिफ्ट भी ले जाओ। मुझे पता चला कि विवेक अपनी फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाकर बहुत पैसे बना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना विवेक की फैक्ट्री से नकली दवाइयां चुरा कर मैं भी पैसे बनाऊं। इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी जो उसकी फैक्ट्री से ये दवाइयां चुरा सके। विनोद ये काम कर सकता था, लेकिन विनोद मुझे धोखा देने की सोच रहा था। मुझे पता चल गया था कि उसने किसी और के साथ डील कर ली थी, इसीलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और इस बात का अंदाजा विवेक को था, इसीलिए उसने इस सोनाली को हायर किया। जो बम तुमने विनोद को लगाया था उसमें अमोनियम नाइट्रेट नाम का केमिकल था, और हमें पता ये केमिकल तुम बनाते और बेचते हो। तुम्हें तो लिस्ट दी थी, याद है? नकली दवाइयां बाजार में लाकर लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुम लोगों ने। ऐसे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।